लौटते समय वृंदावन आए। इसके बाद भगवान देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाते हैं, राधा रानी से भगवान मिले 100 वर्षों के बाद। फिर भगवान ने माता देवकी की कंस ने जो 6 पुत्र मारे उनको लौटाया। भृगु जी ने त्रिदेवों की परीक्षा ली, पांव पाद प्रहार किया भगवान की छाती पर और प्रथम पूज्य भगवान को भृगु जी ने माना। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, संतों का श्राप देना और आपस में लड़के मरने का श्राप भगवान को लगना, मूसल निकलना सांब के पेट से, कपड़ा हटाकर चूर्ण करके फेंका, कील एक मछुआरे ने कील पे लगाया, मूसल के बाद नव योगेश्वरों का संवाद। यहां पर आगे की चर्चा में नव योगेश्वरों का संवाद, फिर दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुग्रत गजा मधुआ हरिणो मीना पिंगल कुरूर भका कुमारी शर्कृत सर्प ऊर्ण नाभि शुपेश कृत। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि सबसे गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने कुछ ना कुछ सीखा है और हमें भी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। 7 दिन की कथा से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कथा सुनते रहिएगा, सुनाइएगा। आजकल के बच्चों को कथाओं की बहुत आवश्यकता है, प्रेम की परिभाषा भूल गए बच्चे, वो किसी लड़का लड़की में उलझ करके उसे प्रेम मान लेते हैं, वो वासना होता है बेटा, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो कथा से जुड़ोगे तो पता लगेगा कि प्रेम प्रभु से क्या होता है। तो भगवान की कथा से बहुत कुछ आपने सीखा होगा, 7 दिन की कथा आपने सुनी। राजा परीक्षित को 7 दिन आज पूरे हुए, भगवान अपनी लीला पूरी की, 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। और जब लीला पूरी हुई तो भगवान का परिवार आपस में लड़ गया, शराब इत्यादि, जो अंत में कुछ उद्दंडता पूर्वक लोगों ने व्यवहार किया उसके कारण आपस में परिजन लड़ गए और भगवान की ये लीला थी, अंतिम लीला। 125 वर्ष की लीला पूरी जब हुई और आपस में जब लड़के भगवत धाम को गए, ये भगवान की लीला थी। ये आपस में इसलिए लड़ गए भगवान कृष्ण का वंश, क्योंकि माता गांधारी का श्राप था। अब माता गांधारी के श्राप को भी सत्य करना चाह, भगवान पर किसी का श्राप लागू नहीं होता, पर फिर भी गांधारी का श्राप भगवान ने धारण कर लिया और गांधारी के श्राप के कारण भगवान ने इस प्रकार की लीला की। पूरा परिकरण राधा रानी गोपी आनंद बाबा देवकी वसुदेव सब भगवत धाम गए, गौलोक धाम, बलराम जी सब भगवत धाम गए। अनिरुद्ध का बेटा वज्र बचा, जिसके आज यादव संतान है। भगवान के पांव में एक बहेलिए ने बाण मारा, भगवान ने उसका उद्धार किया। लीला पूरी करके भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा, प्रभु हम कैसे रहेंगे आपके बिना। भगवान बोले, हम कोई जा थोड़ी रहे, हम तो भागवत जी में समा रहे हैं। जहां जहां जब जब ये भागवत होगी वहां वहां तब तब प्रकट